मैं हूं बुशरा खान। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइंस। कनाडा के शहर टोरंटो में वीकेंड से कबल एक बार फिर बर्फबारी का इम्कान। एनवायरमेंट कनाडा की जानिब से ट्रैवल एडवाइजरी जारी कर दी गई। शहर में 8 सेंटीमीटर तक बर्फबारी का इम्कान। कैनेडियन सूबे ओंटारियो ने सरकारी आलात में टिकटॉक के इस्तेमाल पर पाबंदी आयद कर दी। हुकाम का कहना है कि हुकूमत खदशात को नाकाबिले यकीन हद तक संजीदगी से लेती है। कैनेडियन हुकाम का कहना है कि टिकटॉक के डेटा इकट्ठा करने के तरीके साइबर हमलों का बाइस बन सकते हैं। शी जिनपिंग तीसरी मुद्दत के लिए चीन के सदर मुंतखब। चीन की पार्लियामेंट और NPC के 3000 अरकान ने शी जिनपिंग को मुंतखब किया। माओ ज़ेडुंग के बाद शी जिनपिंग मुल्क के सबसे ताकतवर रहनुमा बन गए। इजरायली फौज की रियासती दहशतगर्दी में मजीद 4 फलस्तीनी नौजवान शहीद। अमरीकी वजीर दिफा का कहना था कि अमरीका फलस्तीनियों के खिलाफ यहूदी आबादकारों के तशद्दुद से परेशान है, अदम तहफ्फुज़ की किसी भी कार्रवाई की मुखालफत करते हैं। हेडलाइंस आपने जानी और अब खबरें तफसील के साथ। Laundry is no longer a hassle. Just toss an EcoFresh detergent strip into the washer for a convenient, eco-friendly yet powerful wash. Hypoallergenic, safe for sensitive skin. Say no to bulky plastic jugs and bottles. No more measuring and spilling. Just one strip for a load. Simple and squeaky clean. Plastic-free, biodegradable packaging. Organic, paraben, phosphate, dioxane and cruelty-free. Order now at www.ecofreshcanada.ca or at Amazon. क्या आप कनाडा की इमिग्रेशन और सिटीजनशिप लेना चाहते हैं या कनाडा में स्टडी करना चाहते हैं? लाइटो इमिग्रेशन न सिर्फ आपको कनाडा की इमिग्रेशन और सिटीजनशिप दिलवाने में आपकी मदद कर सकते हैं, बल्कि आपको कनाडा में सेटल और इन्वेस्ट करने के रास्ते भी सुझा सकते हैं। Lito Immigration is a regulated Canadian immigration consultant. We deal in study, work, PNP and PR visas, get startup visas, work permit and business visas. We rise by lifting others. Lito Immigration. कैनेडियन हुकूमत ने कानून साजी मुतारिफ करवाई जो कि फौजदारी जाब्ते की दहशतगर्दी की दफात को तब्दील करेगी, जिसने कैनेडा की इंसानी इमदाद को अफगानिस्तान पहुंचने से रोक दिया है। मजीद अहवाल इस रिपोर्ट में। कैनेडियन हुकूमत अफगानिस्तान की इमदाद को रोकने वाले कानून में तब्दीली कर रही है। कैनेडियन हुकूमत ने कानून साजी मुतारिफ करवाई जो कि फौजदारी जाब्ते की दहशतगर्दी की दफात को तब्दील करेगी, जिसने कनाडा की इंसानी इमदाद को अफगानिस्तान पहुंचने से रोक दिया है। कनाडा के पब्लिक सेफ्टी के वजीर मार्को मेंडिचिनो ने सहाफियों को बताया कि अफगानों, इमदादी ग्रुपों और गवाहों की तरफ से पार्लियामेंट के सामने दिया गया पैगाम वाज़ह है। अफगानिस्तान की सूरत हाल तश्वीशनाक है। मुजवजा कानून, जिसे बिल C-41 के नाम से जाना जाता है, जाब्ता फौजदारी में तरमीम करेगा ताकि कनाडा के इमदादी कारकुनों को दहशत गर्दों के जेरे कंट्रोल इलाकों में बगैर मुकदमा चलाए फराइज अंजाम देने के लिए एक नक्शा फराहम किया जा सके। अगर ये कानून मंजूर हो जाता है तो ये इमदादी कारकुनों को 5 साल तक जारी रहने वाली छूट के लिए दरख्वास्त देने की इजाज़त देगा, ताकि बहरान में घिरे लोगों की मदद की जा सके एक ऐसे जुग्राफियाई इलाके में जो दहशत गर्द गिरोह के जेरे कंट्रोल हैं। इंसानी हमदर्दी के लिए काम करने वाले ग्रुपों का कहना है कि 1 साल से भी ज़्यादा अरसा कबल ग्लोबल अफेयर्स कनाडा ने उन्हें खबरदार किया था कि अफगानिस्तान में सामान खरीदने या मुकामी लोगों को मुलाजमत देने पर तालिबान को टैक्स अदा करना शामिल होगा, जो कि कानून के तहत दहशतगर्द ग्रुप में ताबुन करने के जमरे में आएगा। इस मसले ने इमदादी कारकुनों की मुल्क पहुंचने की कोशिशों को नाकाम बना दिया, क्योंकि हाईवे के इस्तेमाल की फीस और हवाई अड्डे पर लैंडिंग टैक्स से भी तालिबान को फायदा होगा। ये मुजवजा इस्तस्ना बैरून मुल्क मुकीम कैनेडियन और कनाडा में मुकीम अफराद दोनों के लिए अहल होंगे। वजीर अपनी मर्जी से इस्तस्ना को वापस ले सकता है और मुसविदा कानून किसी भी ऐसे शख्स पर पाबंदी लगाता है जो दहशतगर्द ग्रुप में शामिल हो या उसमें शामिल होने का इम्कान हो। टोरंटो और ग्रेटर टोरंटो एरिया में वीकेंड से ऐन कबल बर्फबारी का एक और दौर शुरू होने वाला है। मजीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। टोरंटो और ग्रेटर टोरंटो एरिया में वीकेंड से ऐन कबल बर्फबारी का एक और दौर शुरू होने वाला है। सबसे ज़्यादा बर्फबारी हैमिल्टन में मुतवक्के है, जहां 10 से 15 सेंटीमीटर तक बर्फबारी का इम्कान है।
जबकि अगले हफ्ते तक दर्जा हरारत मामूल से कदरे कम रहेगा। एनवायरनमेंट कनाडा ने कहा कि जुनूब मगरबी ऑनटेरियो में वसी पैमाने पर बर्फबारी होगी। एनवायरनमेंट कनाडा ने जुमे के लिए टोरंटो में मौसम सरमा के लिए सफरी एडवाइजरी जारी की है, जिसमें सिस्टम के गुजरने तक 4 से 8 सेंटीमीटर तक बर्फबारी का इम्कान जाहिर किया गया है। तवक्को है कि दोपहर के करीब बर्फ गिरना शुरू हो जाएगी और शाम तक कम हो जाएगी। जुमे को जुनूब मगरबी ऑनटेरियो और गोल्डन हॉर्स शो में वसी पैमाने पर बर्फबारी होगी। इस बर्फबारी से शाम का सफर मुतासिर होगा। बर्फबारी के साथ 20 से 40 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चलने का इम्कान है। एडवाइजरी में कहा गया है कि मोटर सवारों को मौसम सरमा में ड्राइविंग के खतरनाक हालात की तवक्को करनी चाहिए और इसके मुताबिक सफरी मंसूबों को एडजस्ट करना चाहिए। अपनी ड्राइविंग को बदलते हुए सड़क के हालात के मुताबिक करने के लिए तैयार रहें। अगर ड्राइविंग के दौरान हद निगाह कम हो जाए तो अपनी लाइट्स ऑन करें और फासला महफूज रखें। टोरंटो और जीटीए अभी बर्फ के आखिरी दौर से निकला है, जहां तेज हवा, गरज चमक और बिजली गिरने की भी इत्तला मिली है। टोरंटो सिटी ने कहा कि 4 मार्च को ऐलान करदा बर्फानी तूफान की अहम हालत बरकरार है। इस दौरान बर्फ के रास्तों के तौर पर नामजद सड़कों पर पार्किंग ममनू है। जुमे को ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत -8 के करीब ठंडी हवा के साथ -1 सेंटीग्रेड रहेगा। हफ्ते के आखिर में ये हफ्ते को सूरज और बादल के मरकब के साथ 1 सेंटीग्रेड के साथ शुरू होगा। अबर आलूद हालात की पेशनगोई इतवार के लिए है और ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 0 सेंटीग्रेड है। कैनेडियन सूबे ऑनटेरियो ने सरकारी आलात में टिकटॉक के इस्तेमाल पर पाबंदी आयद कर दी। सूबे के ट्रेजरी बोर्ड के सदर का कहना है कि पाबंदी हुकूमती डेटा की हिफाजत के लिए फाल और एहतियाती इकदाम है। मजीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। कैनेडियन सूबे ऑनटेरियो ने सरकारी आलात में टिकटॉक के इस्तेमाल पर पाबंदी आयद कर दी। सूबे के ट्रेजरी बोर्ड के सदर का कहना है कि पाबंदी हुकूमती डेटा की हिफाजत के लिए फाल और एहतियाती इकदाम है। प्रभुमित सिंह सरकारिया ने एक बयान में कहा कि पाबंदी के हिस्से के तौर पर तमाम सरकारी इश्तिहारी मुहिमों को टिकटॉक से हटा दिया जाएगा। इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि तमाम ऑनटेरियो प्रोग्रेसिव कंजर्वेटिव पार्टी कॉकस मेंबरान को तमाम जाती सेल फोन से दरख्वास्त हटाने की जरूरत होगी। उनका कहना था कि हुकूमत की तरफ से जारी करदा और जाती आलात से टिकटॉक एप्लीकेशन को ब्लॉक करने का फैसला सरकारी डेटा और नेटवर्क्स के तहफ्फुज को यकीनी बनाने के लिए एक फाल और एहतियाती तरीका है। अगरचे डेटा की कोई खिलाफ वर्जी नहीं हुई है, हमारी हुकूमत डेटा की सालमियत के बारे में तमाम इल्जाम और खदशात को नाकाबिले यकीन हद तक संजीदगी से लेती है। उन्होंने कहा कि हुकूमत ऑनटेरियो के रिहायशियों की हौसला अफजाई करती है कि वो किसी भी एप्लीकेशन के इस्तेमाल की शराइत और जवाबित का जायजा लें, ताकि ये यकीनी बनाया जा सके कि वो प्लेटफॉर्म मालूमात को किस तरह इस्तेमाल करते हैं, इस बारे में बाखबर फैसला कर रहे हैं। ये इकदाम इसी तरह की पाबंदी के बाद किया गया है, जिसका ऐलान वफाकी हुकूमत ने फरवरी के आखिर में किया था। इस वक्त हुकूमत ने कहा कि इस इकदाम के पीछे सिक्योरिटी खदशात है। इसके बाद से तमाम सूबों ने इसकी पैरवी की है। ऑनटेरियो इस फैसले का ऐलान करने वाला आखिरी सूबा है। हुकाम का कहना है कि टिकटॉक के डेटा इकट्ठा करने के तरीके साइबर हमलों का बाइस बन सकते हैं। टिकटॉक मुख्तसर वीडियोस के इश्तराक में महारत रखता है। बीजिंग की इंटरनेट टेक्नोलॉजी कंपनी बाइट डांस प्लेटफॉर्म की मालिक है। चीन और मगरब के दरमियान बढ़ते हुए तनाव के वक्त इसकी मिल्कियत ने खदशात को जन्म दिया है। बाइट डांस में चीनी हुकूमत की शेयर हैं और चीनी कानून मुल्क को सारिफ के डेटा तक रसाई का मुतालबा करने की इजाज़त देते हैं। बाइट डांस बरकरार रखता है कि वो टिकटॉक डेटा चीन की हुकूमत के साथ शेयर नहीं करता है और इसका डेटा इस मुल्क में नहीं रखा जाता है। शी जिनपिंग तीसरी मुद्दत के लिए चीन के सदर मुंतखब हो गए। मुल्क का सदर बनने के बाद से शी जिनपिंग ने वो ताकत हासिल की है जो माओजे तिंग के सिवा चीन के जदीद दौर के किसी दूसरे रहनुमा ने हासिल नहीं की। मजीद अहवाल इस रिपोर्ट में। शी जिनपिंग तीसरी मुद्दत के लिए चीन के सदर मुंतखब हो गए। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक शी जिनपिंग माओ ज़ेडुंग के बाद मुल्क के सबसे ताकतवर रहनुमा के तौर पर उभरे हैं। चीन की पार्लियामेंट और एनपीसी के 3000 अरकान ने शी जिनपिंग को मुंतखब किया। मुल्क का सदर बनने के बाद से शी जिनपिंग ने वो ताकत हासिल की है जो माओ ज़ेडुंग के सिवा चीन के जदीद दौर के किसी दूसरे रहनुमा ने हासिल नहीं की। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक कम्युनिस्ट पार्टी के शी जिनपिंग अगले 5 साल के लिए सदर मुंतखब हुए हैं। शी जिनपिंग सेंट्रल मिलिट्री कमीशन के चेयरमैन भी मुंतखब हुए हैं। पार्लियामान ने जाओ लीजी को चेयरमैन और हॉन जिंग को नया नायब सदर मुंतखब किया। ये दोनों अफराद
सदर शी जिनपिंग की साबिक टीम से हैं। रिपोर्ट के मुताबिक तकरीबन 3000 अरकान पर मुश्तमिल नेशनल पीपल्स कांग्रेस ने शी जिनपिंग को मुतफिका तौर पर तीसरी मुद्दत के लिए सदर मुंतखब किया है। वोटिंग तकरीबन एक घंटे तक जारी रही और इलेक्ट्रॉनिक गिनती तकरीबन 15 मिनट में मुकम्मल हुई। गुज़िश्ता साल अक्टूबर में शी जिनपिंग मुसलसल तीसरी बार हुक्मरान जमात कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के जनरल सेक्रेटरी मुंतखब हुए थे। चीन में कम्युनिस्ट पार्टी का जनरल सेक्रेटरी का ओहदा सबसे ताकतवर होता है। इसी ओहदे पर मौजूद शख्स ही मुल्क का सदर और चीनी अफवाज का सरबराह होता है। उन्होंने 2018 में किसी शख्स के सिर्फ 2 मरतबा मुल्क का सदर रहने की पाबंदी ख़त्म कर दी थी, जिसके बाद उनकी गैर मुयना मुद्दत तक हुक्मरानी की राह हमवार हुई। शी जिनपिंग के दौर में चीन दुनिया की दूसरी बड़ी मईशत बना, बड़े पैमाने पर फौजी तौसी हुई और आलमी सतह पर कहीं कहीं ज़्यादा जारहाना अंदाज अपनाया गया, जिसकी अमरीका ने सख्त मुखालफत की। याद रहे कि शी जिनपिंग 2013 में साबिक चीनी सदर हो जिनताओ के बाद पहली मरतबा सदारत के अहदे पर फाइज हुए थे। गुज़िश्ता अक्टूबर में शी जिनपिंग के इक्तदार में पहले ही तौसी कर दी गई थी, जब उन्हें हुक्मरान कम्युनिस्ट पार्टी की मरकजी कमेटी के जनरल सेक्रेटरी के तौर पर मजीद 5 साल के लिए दोबारा तैनात किया गया था। अमरीकी वजीर दिफा लॉयड ऑस्टन ने इसराइली रहनुमाओं पर जोर दिया है कि वो मकबूजा मगरबी किनारे में बढ़ते हुए तशद्दुद के दरमियान कशीदगी को कम करने के लिए इकदाम करें। मजीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। अमरीकी वजीर दिफा लॉयड ऑस्टन ने इसराइली रहनुमाओं पर जोर दिया है कि वो मकबूजा मगरबी किनारे में बढ़ते हुए तशद्दुद के दरमियान कशीदगी को कम करने के लिए इकदाम करें। मगरबी किनारे में इसराइली फौज की रियासती दहशतगर्दी मुसलसल चौथे रोज भी जारी रही, जिसमें मजीद 3 फलस्तीनी नौजवान शहीद हो गए, जबकि 2 रोज कबल जख्मी होने वाला नौजवान चल बसा। मगरबी किनारे में सिर्फ 2 रोज में इसराइली जारहियत में शहीद होने वाले फलस्तीनी नौजवानों की तादाद 10 हो गई, जबकि 5 से ज्यादा जख्मी है। गैर मुल्की खबर रसाईदारी के मुताबिक अमरीकी वजीर दिफा लॉयड ऑस्टन ने इसराइल का दौरा किया, जहां उन्होंने वजीर आजम नेतन्याहू और वजीर दिफा योव गैलेंट से मुलाकात की और मकबूजा मगरबी किनारे में बढ़ते हुए तशद्दुद के वाकयात के बारे में गुफ्तगू की। पेंटागन के एक रीड आउट में कहा गया कि ऑस्टन ने इसराइली वजीर आजम के साथ मुलाकात के दौरान तशद्दुद को कम करने और एक मुनसिफाना और देरपा अमन के हवाले से काम करने के लिए फौरी इकदामात पर जोर दिया। लॉयड ऑस्टन ने इसराइली वजीर दिफा से मुलाकात के बाद सहाफियों को बताया कि अमरीका यहूदी बस्तियों की तौसी और इश्तियाल अंगेज बयानबाजी समेत किसी भी ऐसी कार्रवाई की सख्ती से मुखालफत करता है जो मजीद अदम तहफ़ को जन्म दे। हम खास तौर पर फलस्तीनियों के खिलाफ आबादकारों के तशद्दुद से परेशान हैं। ख्याल रहे कि रवां साल के आगाज से अब तक इजरायली फोर्सेस 70 से ज्यादा फलस्तीनियों को शहीद कर चुकी हैं। इजरायली फौज और यहूदी आबादकारों के हाथों शहीद होने वाले नौजवानों की तादाद 78 हो गई है, जिनमें 1 खवातीन और 14 बच्चे शामिल हैं। टैक टीवी के पाकिस्तान स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए टैक टीवी।